हाय गाइस, सजमा किचन में आपका स्वागत है। आज सजमा किचन में फीस कड़ी बनाकर बता रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। जिनको मैरिनेट करके हमने ओवरनाइट के लिए रख दिए थे और ऑयल में डालकर इनको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। तो फ्राई होने के बाद में आगे का बताते हैं। गैस पे हमने तपेला रख दिया है, इसमें ऑयल डालेंगे 2 से 3 चम्मच, क्योंकि जब मछली वगैरह बनाते हैं तो इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। तो उसके बाद में हम डालेंगे आधा चम्मच रई, आधा चम्मच मेथी दाने, कुछ खड़े गर्म मसाले और ये इसमें डाल देंगे और इसको 2 मिनट के लिए, 1-2 सेकंड के लिए इसको थोड़ा रोस्ट होने देंगे। और आधा चम्मच इसमें डालेंगे हम जीरा। तो इसको 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमने लिए थे 2 प्याज, जो 2 प्याज को हमने इससे बारीक ग्रेवी इसकी कर दी, ग्रेवी कर लिए हैं, वो भी अभी हम इसमें डालेंगे। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन दोनों चीज़ों को कम से कम 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे ताकि इसका तेल अलग हो जाए। देखिए, प्याज और हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो रहा है। फीस कड़ी में इस तरीके से प्याज और लहसुन अदरक को पहले फ्राई करके ने हम बाकी मसाले बाद में डालेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा। तो इस तरीके से आप भी फीस कड़ी बनाकर देखिएगा। देखिए, मछली को हमने इस तरीके से फ्राई कर लिए हैं। इस तरीके से पूरी जितनी सब्जी में बनाना है उस तरीके से कर लेंगे। और जो ये प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट था उसने भी हमारा देखो तेल अलग से कर दिया है। अब इस टाइम हम डालेंगे इसमें 2 टमाटर की प्यूरी, या फिर अपन टमाटर सॉस के बना के भी डाल दें, लेकिन हमने ताज़े टमाटर की बनाई है। तो ये 2 इसमें ये डाल दिए और अब स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे और ये मसाले 2 चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी और 2 चम्मच धनिया पाउडर। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। तो इनको डाल के सबको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देंगे, जब तक कि तेल इससे मसाले से फिर से अलग ना हो। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया, जो अभी फ्राई करी हुई मच्छी है वो इसमें डाल देंगे हम और अच्छे से इसको मिक्स करके थोड़ी सी ग्रेवी करेंगे। बस इतना ग्रेवी कर लेंगे। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे और इसके बाद में इसमें कस्तूरी जो मेथी है वो डालेंगे थोड़ी सी क्रश करके और 1 नींबू का रस डालेंगे इसमें, या आधा नींबू इसमें निथार देंगे हम ताकि इससे थोड़ा सा खट्टापन आएगा सब्जी में। 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर सर्व करेंगे। मछली कड़ी मछली बनके हमारी तैयार हो गई है। अब इस फीस कड़ी बनके तैयार हो गई है, अब इसको सर्व करेंगे। ये फीस कड़ी और मक्का की रोटी के साथ हमारी डिश बनके तैयार हो गई है। अब आप भी बनाइए और कमेंट में लिख के बताइए कि हमारी फीस कड़ी की रेसिपी कैसी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।